हेलो फ्रेंड्स, हम तुम ब्लॉग स्पॉट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी लेके नहीं आई हूँ और ना ही कोई ब्यूटी टिप्स। तो मैं आपको अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिलवाती हूँ। आइए मैं पहले अपने छोटे नवाब से मिलवाती हूँ। ये हैं मिस्टर विवान और इनका निक नेम है माही। बेटू हाय कर दो, हेलो कर दो। ये अभी 1.5 साल के पूरे नहीं हुए हैं। नमस्ते। और ये दिन भर ऐसी शरारते करते रहते हैं। ये देखिए हाथ में इनके आईफोन है, अब पूरे दिन ये इस फोन के मालिक हैं। और मैं आपको अब मिलाना चाहूंगी अपने हस्बैंड से, मिस्टर हरेन। मीट मिस्टर हरेन। हेलो। और आप कुछ कहना चाहेंगे आज? बस ओके। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा घर और चलते हैं बाहर की तरफ। ये है हमारा मेन एंट्रेंस गेट। हमने दोनों साइड में छोटा गार्डन बना रखा है। ये देखिए आप, हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड में भी हमने बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे भी लगा रखे हैं। अब हम अंदर चलते हैं। ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी गाड़ी है, ये साहब की बाइक है। यहाँ पे हमने तुलसी जी लगा रखा है। और ये मनी प्लांट, ये छोटे छोटे पौधे हमने सीढ़ियों पे रख रखे हैं। अब हम चलते हैं अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर से अपना घर। ये है हमारा किचन, छोटा सा किचन। ये है एक बेडरूम। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। सामने आप देख सकते हैं टीवी लगी है, उसमें कैमरा दिख रहा है। हम लोगों ने अपने घर में कैमरा भी लगवा रखा है, सेट के लिए। ये है हमारा ड्राइंग रूम। वॉल पे आपको जो पेंटिंग दिख रही है उस पर बुद्ध जी बने हुए हैं। ये हम लोगों ने वॉल पेंटिंग कराई थी। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। अब हम चलते हैं अपने बेटे के रूम में। ये मेरे बेटे का रूम है। उनके खिलौने, उनके डैडी सब इसी रूम में रखे जाते हैं। एक रूम ये है जो हम लोगों ने बेटे के लिए तैयार करा रखा है। आपको लेके चलते हैं अपने बेडरूम में। अपने बेडरूम में बस टीवी और बेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है।
मम्मा की तरह लग रहा है ना बेटा, आप मम्मा की तरह लग रहे हो ना, ये देखिए। अच्छा फ्लाइंग किस कर दीजिए बेटा, अपना माउस दिखा दीजिए, माउस माउस का। और बेटा नमस्ते किया आपने, नमस्ते किया, नमस्ते नमस्ते कर देते हैं, ये शर्मीले टाइप के हैं। ऐसे ही बोलते रहते हैं और हमें समझ में कुछ नहीं आता है, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती है कि ये मांग रहे हैं और ये चाहिए। ना भूलिए।